हिमाचल पथ परिवहन निगम के सभी संगठनों ने आज हमीरपुर के पदाधिकारियों व कर्मचारियों ने गेट मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें कि कहा कि कर्मचारियों के वेतन की अदायगी समय पर नहीं की जा रही है, जिसके चलते कर्मचारियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें अपने परिवार का गुजारा करना भी मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में निगम के कर्मचारियों ने अपनी सेवाएं बेहतर ढंग से दी हैं, लेकिन आज उन्हें पूरी तरह से पगार भी नहीं दी जा रही है, जिसके चलते उनमें रोष है। सर्व कर्मचारी यूनियन के प्रधान राजू राम ने कहा कि शिमला में मुख्यालय में उच्च अधिकारी जो है सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं, वह निंदनीय है। इस पर अधिकारी पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए और घोटालों में संलिप्त अधिकारियों पर सरकार को शिकंजा कसना चाहिए। उन्होंने कहा है कि कर्मचारियों की प्रमोशन भी नहीं की जा रही है और पीस मेल कर्मचारियों के समय पर नियमित भी नहीं किया जा रहा है। कार्यशाला में मैकेनिकों की भर्ती की जा रही है। शिमला में उच्च अधिकारियों को आरोपी पाया गया है, जो अपने भवन का निर्माण सरकारी कर्मचारियों के द्वारा करवा रहे थे और सरकारी गाड़ी का दुरुपयोग कर रहे हैं। संगठन ने सरकार व प्रबंधन से अपील की है कि सभी डिपुओं में जाँच करवाई जाए, ताकि जो घोटाले हुए हैं वे सबके सामने आ सके। ये गेट मीटिंग का आयोजन जो है पथ परिवहन निगम की तरफ से सैलरी के बारे में किया जा रहा है कि कर्मचारी की सैलरी जो है समय पर जो है उसकी अदायगी नहीं की जा रही है। कभी 24 तारीख को, कभी 25 तारीख को, कभी 15 तारीख को जो है वो इस सैलरी की अदायगी की जा रही है। साथ में कोविड-19 के चलते हुए हमने गेट टूगेदर जो है ये गेट मीटिंग का आयोजन किया हुआ है। हम निगम प्रबंधन और सरकार से अपील करते हैं कि कर्मचारियों को एक तरफ से कोरोना योद्धा कहा जा रहा था, तो कोरोना योद्धा जो है उनकी हालात जो है वो पगार के ऊपर भी लाले पड़े हुए हैं। पारिवारिक के गुजारा करना जो वो अति मुश्किल हो गया है। और साथ में मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे उक्त अधिकारी जो है जो मुख्यालय में पकड़े गए, वो अपने भवन के निर्माण के लिए जो अपना मकान का निर्माण चला हुआ है उसके लिए वो सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं, जो कि अति निंदनीय है। हम प्रदेश सरकार को रिस्पेक्टेड मैनेजिंग डायरेक्टर HRTC जो हैं उनसे करबद्ध अपील करते हैं कि इनके ऊपर कड़े से कड़ा संज्ञान लिया जाए और ऐसे लोगों को, ऐसे लोग जो हैं जिन्होंने HRTC को खोखला कर रखा है, इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। देखने में आता है कि छोटे कर्मचारी जैसे हैं तो उनके ऊपर अगर छोटी सी गलती होती है तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है, तो ऐसे उच्च अधिकारी जो संपत्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार ने कोविड-19 के चलते हुए अंकुश लगाया हुआ है कि जितने भी खर्चे हैं उनको जो है बिल्कुल कंट्रोल में किया जा रहा है, ताकि अर्थव्यवस्था ठीक ढंग से चल सके। ऐसे उक्त अधिकारी जो हैं जो HRTC को खोखला करने में तुले हुए हैं, हम यही अपील करते हैं निगम प्रबंधन और सरकार से कि इनके ऊपर कड़े से कड़ा संज्ञान लिया जाए। साथ में हमारे कक्षा में जैसे पीस मेल वर्कर हैं, इनको कई वर्ष हो गए, कई वर्षों से ये पेंडिंग पड़े हुए हैं, ना ही इनको नियमित किया जा रहा है, तो इनको भी समय अवधि के अनुसार ही नियमित किया जाए। यही हमारी सरकार व निगम प्रबंधन से अपील है। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। सर, आपने ये गेट मीटिंग किस लिए आयोजित की है? सर, हमारी गेट मीटिंग का मेन एजेंडा सैलरी को लेकर है, जो किसी महीने 22 तारीख देते हैं, किसी महीने 15 तारीख देते हैं, तो हमारा जो है परिवार का गुजारा इससे मुश्किल हो जाता है। तो हम सबसे पहले मंत्री महोदय से गुजारिश करेंगे कि हमारे परिवार को मद्देनज़र रखते हुए और हम बच्चों का पालन पोषण या उनकी स्कूल की फीसें किस तरह दे पाएंगे। और दूसरा मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि हर कैटेगरी की, चाहे ड्राइवर हो, कनेक्टर हो या क्लरिकल स्टाफ है, उनकी जो प्रमोशन है वो लगभग 2017 से लेकर 20 तक 3-3 बार हो गई, जबकि वर्कशॉप कैटेगरी की प्रमोशन जो है वो 3 साल में कोई भी प्रमोट नहीं हुआ। बहुत ही दुख की बात है। तो मेरा MD महोदय से भी गुजारिश रहेगी कि हमारी जो सैलरी है वो पहली तारीख को यथावत जैसे पहले मिलती थी वैसे ही मिलनी चाहिए। ये कोरोना वायरस कोई हिमाचल पथ परिवहन निगम ने नहीं फैलाया है, जिसका वो
हिमाचल पथ परिवहन निगम जो है भुगतान कर रहा है, तो मेरी यही गुजारिश रहेगी कि कर्मचारियों को तंग ना किया जाए। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।